जून का घाम और यूपीएससी का एग्जाम दोनों एक जैसे होते हैं, एक त्वचा जला देता है और दूसरा जवानी। जब सपने बंद आंख से नहीं खुले आंख से देखोगे तब निकलेगा आईएएस। जब गूगल पर गंगा और नक्शे पर कंचनजंगा खोजोगे तब निकलेगा आईएएस। यूं तो संविधान में मौलिक अधिकार पहले आता है और कर्तव्य बाद में आते हैं, लेकिन यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए केवल मौलिक कर्तव्य ही निर्धारित होते हैं और उनका कर्तव्य होता है लगातार पढ़ाई करते जाना। यूपीएससी कोई नौकरी नहीं है, ये एक जुनून है जो दिमाग में छाता है तभी उसका परिणाम मिलता है। नौकरी की तैयारी करने वाले आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रशासन चलाने की तैयारी कर रहा है, जो एक जिला को चलाने की तैयारी कर रहा है, उसकी मेहनत अलग लगनी चाहिए। आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, तभी उसका परिणाम आपको मिलेगा। जो मेहनत अभी तक आपने की है और एक लंबा सा मेहनत अभी आपको करना है, तो इस राह में अगर आप ढीले पड़ेंगे तो इसका परिणाम आपके फेवर में नहीं होगा। नमस्कार, आइए क्लास शुरू करते हैं। आप गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेशन देते रहना, छोड़ देते हैं आप इसको। इसीलिए तो कहा यूपीएससी का रिजल्ट इतना कम इसीलिए आता है, क्योंकि ये एक धैर्य की परीक्षा है, एक लंबे समय की परीक्षा है, इसकी तैयारी में बड़ा वक्त लगता है। और जो इसको आए और थोड़ा सा देखे और छोड़ के चले गए, उनके लिए बस एक सपना हो जाता है। लेकिन बस जो लगातार लगे हुए हैं ना, वो उस सपने को सच कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। तो आइए, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम मौद्रिक नीतियाँ समझ रहे थे। मौद्रिक नीतियों में हमने लगभग 90% उसको समझ लिया था। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जिसका मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था, विनिमय दर क्या है, डॉलर और पैसे का खेल किस तरीके से होता है। हम कहते हैं कि रुपया टूट रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और मौद्रिक नीति में उसको आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो सब आप इस क्लास में समझ पाएंगे। क्लास में आखिरी तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ फ़ायदा लेकर के ही जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा देर पढ़े और फिर निकल लिए। देखिए, हर चीज़ें आपको नेटफ्लिक्स की मूवी जैसी नहीं लगेंगी कि आपको बस एंटरटेन करती जा रही, एंटरटेन करती जा रही हैं, ठीक है। जिम्मेदारी से जब आप काम करेंगे, कई बार ऐसा होता है, आपने जीवन में महसूस करते होंगे कि चीज़ें सब आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं होती हैं, कि नहीं बिल्कुल बस मज़ा ही आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी सी बोरियत फील होती है, लेकिन लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, उन्हीं को सफलता मिलता है। आइए क्लास शुरू करते हैं। विनिमय दर हमें समझना है। ये मार्कर शायद सही चल नहीं रहा है, मैं चेंज कर लेता हूं। क्या समझना है? विनिमय दर और मौद्रिक नीति की जो पहली क्लास थी, जब मैंने उसका एक चार्ट बनाया था और वहाँ पर मौद्रिक नीति के जो मुख्य, मौद्रिक नीति समिति का जो मुख्य काम है, हाउ टू मैनेज लिक्विडिटी इन मार्केट, तो जो उसका काम है लिक्विडिटी को मैनेज करना, उसके लिए जो उसके पास उपकरण होते हैं आरबीआई के पास, जो केंद्रीय बैंक है, उन उपकरणों को हमने दो भाग में बांटा था। एक भाग आपका था मात्रात्मक उपकरण और दूसरा था गुणात्मक उपकरण। अभी तक जो क्लास आप कर रहे हैं वो मात्रात्मक उपकरण पर जो है रिलेटेड है, यानी कि आपने SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये सब जो हैं ये एक मात्रात्मक उपकरण है, जिससे जब उसको घटा दिया RBI ने, उसको बढ़ा दिया, तो लिक्विडिटी को मैनेज कर लेती है, उसका जो है प्रबंधन कर लेती है। लेकिन इसके अलावा जब ये सब फेल हो जाते हैं तो गुणात्मक उपाय करती है। हालांकि ये जो आपकी क्लास है मौद्रिक नीति की, इसमें विनिमय दर आपको समझना है, जो स्वयं में एक प्रकार की क्या है, मात्रात्मक उपकरण है विनिमय दर।
और आज है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर उन्हें प्रदान किया गया। जैसा कि कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए इस दिन को इस तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया कि आप संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करेंगे। आज आप इस बात की चर्चा करेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। प्रस्तावना को एक बार स्कूल में सबको पढ़ाया जाएगा, रटाया जाएगा। देखिए, इस देश में कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, लेकिन वो सब संविधान के दायरे में रह करके होता है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान की भूमिका देश में क्या है। तो संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थोड़ा अगर जितना आप जानते हैं संविधान के बारे में, दो चार छोटे बच्चे आपके भाई बहन मिल जाएं, उनको भी थोड़ा सा बताइए। और अगर आपका ज्ञान कम है तो ओनली UPSC की क्लास पड़ी हुई है संविधान की, उसको कर लीजिए। या इसके बाद फिर से उसकी क्लास नए सिरे से शुरू भी होगी जब ये क्लास आपकी समाप्त होगी, ठीक है। तो आइए विनिमय दर को समझते हैं। विनिमय दर में हमें यह समझना है कि रुपया और डॉलर एक दूसरे से कैसे मजबूत होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए RBI ने जो नीति अपनाया है उसको कहते हैं प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। यानी कि डॉलर और रुपया, ठीक है, विनिमय दर को हमें समझना है तो डॉलर पाउंड ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन हम डॉलर को लेकर के समझते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार जो है विश्व में डॉलर के माध्यम से होता है। और हर देश के फॉरेन रिजर्व को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला एक मुद्रा है वह है डॉलर, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल सारा डॉलर के साथ लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। तो डॉलर किस तरीके से मजबूत होता है, क्या वो किस तरीके से मार्केट को प्रभावित करेगा, इसके लिए जो RBI की नीति है वह है प्रबंधित प्रवाह प्रणाली की नीति। यह एक ऐसी नीति है कि खुलेआम छोड़ दिया गया है, यानी कि डिमांड जिस तरीके से होगी और लोग उसको जिस तरीके से खरीदेंगे वो अपने आप क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। उसके लिए RBI ने कोई बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं बनाए, ठीक है। तो RBI ने उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है कि डॉलर की मांग के हिसाब से वो मजबूत होगा और उसके ओवरफ्लो में वो कमजोर होगा, टूटेगा, ठीक है। तो उसको RBI ने क्या कहा, एकदम छोड़ दिया कि जिस तरीके से वो आएगा या जाएगा उसी हिसाब से जो है मार्केट मैनेज होगा। लेकिन क्या RBI इतना ढीला भी उसने छोड़ दिया है? नहीं, RBI ने एक सीमा तय कर रखा है कि इस सीमा से जब बाहर जाएगा, यानी कि जब रुपया एक सीमा से नीचे आ जाएगा टूट करके या उससे ऊपर चला जाएगा, एक सीमा निर्धारित किया, तो उसके बाद में वो इस पर कुछ जो है कार्रवाई करेंगे ताकि वो फिर से मैनेज हो जाए। एक्चुअली में डॉलर अगर रुपया के जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत हो रहा है तो यह भी सही नहीं है, और ज़्यादा कमज़ोर भी हो रहा है तो यह भी सही नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर बहुत सारी चीज़ों जो है बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी दे दी जाती है कि डॉलर अगर रुपया के अपेक्षाकृत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो इसका मतलब कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है गुरु, ये मैनेज रहेगा तब इंडियन इकोनॉमी अच्छी रहेगी। वो सारी चीज़ें क्या हैं एक एक करके समझाते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। और मैं कमेंट आप लोगों का देख रहा था, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन को नहीं समझ पाए थे। कुछ विद्यार्थियों ने मेरे कमेंट किया था कि उन्हें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में कुछ दिक्कत आ रही थी, उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसा है, इस क्लास के बीच में उसकी बहुत विस्तृत चर्चा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, कमेंट रीड होता है आपका, देखा जाता है, लेकिन इतने सारे कमेंट होते हैं कि सबका जवाब देना एक मानवीय रूप से संभव नहीं है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेटा ऐसा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ये है कि जब
लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है ओपन मार्केट का। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो करती क्या है कि बांड को बेचती है। बांड एक प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये जो कागज ही इतने रुपए की कीमत का है, बस अपना सिग्नेचर करके दे देती है, ठीक है। तो वो उसको बेचती है और कुछ कैश जो है वो मार्केट से सोख लेती है, और जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट में कैश की कमी हो गई है तो उसी बांड को फिर से जो है क्या करती है, पहले उसने बेचा था अब उसको खरीद लेती है, तो मार्केट में फ्लो बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के मार्केट में तरलता कितनी ज्यादा होगी उसको बांड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड बांड के थ्रू जब मैनेज करती है आरबीआई तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसमें वो एक प्रकार का जिसे आपने रिपो रेट समझा था तो उसी तरीके से काम करता है, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो विशेष परिस्थिति के लिए है, ठीक है। जब किसी बैंक के पास अचानक एकदम से कैश खत्म हो जाता है, उसे ज्यादा कैश की जरूरत होती है, तो वो 24 घंटे के लिए आरबीआई से एक ऋण लेती है जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत दिया जाता है। उस पर जो है ब्याज ज्यादा देना पड़ता है उसको आरबीआई को, ठीक है, ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अब उसके काम के टाइम पर आरबीआई उसको पैसा दे देती है। और रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में अंतर यह है कि रेपो रेट में आप जो प्रतिभूति जमा करवाते हैं एज ए जो है, जब आप ऋण ले रहे होते हैं तो आपको जमा करवाना पड़ता है, ठीक है, आरबीआई के पास में। तो उसमें रेपो रेट में क्या है कि आप SLR का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है कि आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस रेट उसका बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा अंतर है रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में। ये सवाल मेरे विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था जिसका जवाब मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं विनिमय दर की, ठीक है। तो विनिमय दर ये है कि डॉलर है आपका और आपका इंडियन करेंसी है, इसमें आपको मतलब जो है समझना है अंतर। और ये मौद्रिक नीति में क्यों पढ़ रहे हैं आप, देखिए होता क्या है कि डॉलर भी आपका एक प्रकार से जो है वो भी एक कमोडिटी है, या उसको इस तरीके से ले लीजिए कि वो भी एक वस्तु है, एक महंगी वस्तु के रूप में आप उसको ले लीजिए। तो कोई भी वस्तु मार्केट को ऊपर नीचे कर सकती है, आप जानते हैं किसी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो उसका दाम अपने आप बढ़ जाता है, और अगर किसी चीज का फ्लो बढ़ गया तो उसका डिमांड अपने आप सॉरी उसका जो मूल्य है वो अपने आप कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि आलू बहुत महंगा हो गया है, 50 रुपये पर केजी हो गया है, जो सब्जी खरीदने जाते होंगे उनको पता होगा। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि अभी किसान जो आम किसान है उसके खेत में आलू तैयार नहीं हुआ है। अब जब आलू उसके खेत में तैयार हो जाएगा तो गांव जो है छोटे मोटे किसानों के पास आलू तैयार हो तो मार्केट में आएगा, जब मार्केट में आएगा तो आलू एकाएक बढ़ जाएगा, और जब आलू बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका रेट गिर जाएगा। अभी आलू की कमी है तो उसका रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें डंपिंग हो सकता है, कालाबाजारी हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो मार्केट है वो इसी तरीके से काम करता है कि जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा, और जब डिमांड कम होगा तो उसका रेट कमजोर हो जाएगा। तो वही पूरा जो रूल है वो डॉलर और रुपये के संदर्भ में भी लागू होता है, ठीक है, डॉलर और रुपये के संबंध में भी लागू होता है। अब डॉलर और रुपया का जो विनिमय दर है वो एक निर्धारित क्यों होना चाहिए, इससे क्या जो है नुकसान होता है और फायदा होता है उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर डॉलर कमजोर होगा, अगर डॉलर कमजोर होगा और आपका रुपया मजबूत होगा तो इससे आपका निर्यात जो है घटेगा, इससे आपका निर्यात घटेगा, और अगर डॉलर मजबूत होगा तो आपका निर्यात बढ़ेगा, और आयात जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझाता हूं। अब इसी के थ्रू हमें आयात निर्यात का गणित थोड़ा सा समझना है, और मुख्य जो आरबीआई का जो एजेंडा होता है वो इसी आयात निर्यात को एक निर्धारित परिसीमन के अंतर्गत रखना होता है ताकि ये बहुत ज़्यादा न घटे न बढ़े, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार डॉलर जो है आयात और निर्यात को प्रभावित करता है, आप जानते हैं कि जो विश्व व्यापार होता है, यानी कि जब आप
आउट ऑफ इंडिया ट्रेड करते हैं तो डॉलर में होता है। हालांकि अब ऐसा भी व्यवस्था हो गया है कि दो देश अपने मुद्रा में विनिमय कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने ईरान के साथ कुछ विनिमय किया था, कतर के साथ कुछ विनिमय किया था, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल टोटल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। चलिए अब इसको थोड़ा समझाते हैं आपको कि किस तरीके से विनिमय दर आयात और निर्यात को प्रभावित करता है। ठीक, और आयात निर्यात को प्रभावित करेगा तो मार्केट को प्रभावित करेगा, और मार्केट को प्रभावित कर रहा है इसीलिए आप उसको मौद्रिक नीतियों में समझ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट ये जो है बन रहा है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, और कोई दूसरा देश है, मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है, और यूएसए में उसको जो है सेम प्रोडक्ट यूएसए में भी बन रहा है। ठीक है, जो आप इंडिया में बना रहे हैं वही यूएसए में बन रहा है। अब मान लीजिए कि आपका रुपया जो है वो कमजोर है किसके अपेक्षा, डॉलर की अपेक्षा। रुपया जो आपका है वो कमजोर है किसके अपेक्षा, डॉलर की अपेक्षा। तो होगा क्या कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इंडिया में जो ये प्रोडक्ट ये बन रहा है इसके टोटल बनने में क्या होगा, पैसा कम लगेगा। ठीक, और जब पैसा कम लगेगा तो ये जब ओपन मार्केट में आएंगे यानी कि विश्व व्यापार में आएंगे तो ये क्या करेंगे, कम पैसे में उसको बेच पाएंगे। जैसे अगर इन्होंने 10 रुपया बनाने में लगा दिया तो ये 12 रुपये में बेच करके 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि डॉलर जो है, यहां पर हमने दिखाया कि डॉलर मजबूत है, सेम कंडीशन में अमेरिका की स्थिति को समझिए कि डॉलर क्या है, मजबूत है। अब जब डॉलर मजबूत है यानी कि डॉलर की जो खुद की जो क्रय क्षमता है वो ज्यादा हो गई है, तो होगा क्या कि यहां पर यूएसए में उसी सेम प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए 10 रुपए में बना, इंडिया 10 रुपए में तैयार कर रहा है और यूएसए इसी चीज को 15 रुपए में तैयार कर रहा है। अब आप बताइए कि इससे निर्यात क्या होगा, किसका निर्यात बढ़ेगा, इंडिया का निर्यात बढ़ेगा। भाई यहां पर जो खरीदने आ रहा है उसको थोड़ी मतलब है कि इनको डोनाल्ड ट्रंप फोन करके बोलेगा कि मत खरीदे तो नहीं खरीदेगा। हालांकि करते हैं अमेरिका वाले ये, क्योंकि उनका स्ट्रेटजी यही होता है, वो हेजोमनी स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के धमकी पर थोड़ी काम करता है। तो माल जब ये मार्केट में आए तो यहां पर इंडिया वाला जो है वो 12 रुपए में बेच रहा है और सेम प्रोडक्ट को यूएसए वाला 15 रुपए में बेच रहा है। ठीक है ना, तो अब जब ये दोनों आएंगे मार्केट में तो कोई जब दूसरा तीसरा चौथा देश खरीदने आएगा तो कहेगा चलो भाई इंडिया वाला खरीद लेते हैं, वो 12 रुपए में सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो इंडिया का निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर आपने देखा कि डॉलर के मजबूत होने पर निर्यात किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर डॉलर कमजोर हो जाए और रुपया मजबूत हो जाए तो क्या होगा, निर्यात घटेगा आयात बढ़ जाएगा। ठीक है, निर्यात घटेगा और आयात बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये एक सीमा से बाहर निकल जाते हैं तो ये जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि किस तरीके से आयात निर्यात को ये डॉलर प्रभावित करता है। अब ये आप समझ लीजिए कि डॉलर को मेंटेन कैसे करता है आरबीआई, जैसे वो कहीं ज़्यादा ना निकल जाए, एक सीमा से बाहर ना हो जाए या एक सीमा से कम ना हो जाए, तो उसको कैसे मेंटेन करता है, तो वो काम भी आरबीआई करता है। उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आयात निर्यात आपको समझ में आ गया होगा आप कि किस तरीके से आयात निर्यात को ये विनिमय दर जो है प्रभावित करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, तो जब खाड़ी देशों में काम करते हैं तो उनको पेमेंट जो है कई बार डॉलर में मिलता है, या कुछ लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, जर्मनी में काम कर रहे हैं, ब्रिटेन में काम कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग करेंसी मिलती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो करेंसी सबसे ज़्यादा स्वीकृत की जाती है वो है डॉलर, तो लोग डॉलर में पेमेंट लेते हैं।
अब जब डॉलर में वो पेमेंट लेंगे वहाँ कमाएंगे। मान लीजिए बिहार का कोई लड़का है इंजीनियर बन के चला गया अमेरिका में कमा रहा है, तो उसको सैलरी डॉलर में मिलेगी। अब वो अपने घर बिहार में भी तो पैसा भेजेगा, ठीक है। जब बिहार में वो डॉलर भेजेगा तो आएगा सबसे पहले किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई एक गेटवे प्रदान करेगा, उसी के थ्रू आएगा। तो आरबीआई करेगा, वो डॉलर अपने पास रख लेगा और उसी के बदले में जितना पैसा बनेगा वो बिहार में उस घर पे भेज देगा, ठीक है। तो डॉलर का इनफ्लो कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए। डॉलर का इनफ्लो कैसे होता है? तो डॉलर का इनफ्लो सबसे ज्यादा रेमिटेंस के थ्रू होता है, यानी कि जो बाहर लोग कमा रहे हैं और यहाँ जो है इंडिया में पैसा भेजते हैं तो उसके थ्रू डॉलर आता है। दूसरा तरीका डॉलर आने के क्या हो सकता है? जो कंपनियां भारत से बाहर पैसा इकट्ठा करती हैं क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। जैसे जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है सेबी, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनियां दर्ज होती हैं और शेयर धारकों को अपना शेयर बेच करके पैसा इकट्ठा करती हैं, उससे व्यापार करती हैं। तो इसी प्रकार भारत की कंपनियां बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर भी अपने आप को दर्ज करवाती हैं और वहां से भी पैसा उठाती हैं व्यापार करने के लिए, यानी कि शेयर अपना बेचती हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में शेयर बेचेगी तो किसमें बेचेगी? डॉलर में बेचेगी, तो उसके पास भी तो डॉलर आएगा, ठीक है, वो डॉलर भी इंडिया के पास आता है। तो इस तरीके से क्या होता है? डॉलर आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंडियन मार्केट में डॉलर क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब डॉलर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? जब कोई चीज बढ़ता है तो क्या होता है? उसका कीमत घटता है। यानी कि जब आलू मार्केट में ज्यादा आ जाएगा तो आलू की कीमत घट जाएगी, ठीक है। तो जब डॉलर ज्यादा मार्केट में आएगा तो डॉलर का कीमत क्या होगा? घट जाएगा। अब जब डॉलर का कीमत घटेगा तो इंडिया का क्या होगा? निर्यात घटने लगेगा। तो तुरंत से आरबीआई सोचेगी कि कुछ ऐसा करो कि डॉलर को मैनेज करो। तो करेगा क्या कि उस डॉलर को वो कोशिश करेगा कि उसके पास जो है वो वापस आ जाए। तो वापस आने के लिए क्या करेगा? वो वापस आने के लिए उनके पास जाएगा जिनके पास डॉलर होता है। जैसे वो कंपनी जो डॉलर में बाहर पैसा इकट्ठा करती हैं, ठीक है, या रेमिटेंस जो भी आएगा उनको अपने पास हो रखेगा, ठीक। तो वो कोशिश करेगा कि मार्केट में जितने डॉलर हैं उसको खरीद ले, ठीक है ना। तो मार्केट में डॉलर को आरबीआई खरीद लेगा। अब जब डॉलर को उसने खरीद लिया तो उसके बदले में पेमेंट भी तो करोगे। जिस बिहारी कपल का तुम जो है डॉलर रख करके उसको पैसा दिए हो, तो वो पैसा कहां गया? मार्केट में गया। अब वो डिमांड क्रिएट करेगा, ठीक है। डॉलर को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने डॉलर खरीद लिया। अब उस डॉलर के बदले में जो पैसा आपने दिया वो पैसा कहां गया? मार्केट में। अब जब मार्केट में जाएगा तो वो डिमांड क्रिएट करेगा, और जब डिमांड ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो डिमांड है ना ये आपकी वजह से इनफ्लो की वजह से क्रिएट हुआ है, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। तो आरबीआई कहेगी अगर उधर डॉलर को छोड़ दें तो निर्यात घट रहा है, और अगर डॉलर को मेंटेन कर लें तो इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि दो समस्या एक साथ। तो आरबीआई ने इसका भी हल निकाला। इसका हल कैसे आरबीआई ने निकाला? इसका हल ये निकाला कि जितने कीमत का डॉलर उन्होंने खरीदा उतने कीमत का गवर्नमेंट बांड जारी कर दिया, ठीक है ना। अब उतने कीमत का गवर्नमेंट बांड बेच दिए। अब जब गवर्नमेंट बांड बेच दिए तो जितना पैसा मार्केट में गया था उसको वापस से फिर आरबीआई ने अपने पास ले लिया। और जब उस आरबीआई को लगेगा कि नहीं इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रहा है और आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर से क्या करेगा? उस बांड को क्या करेगा? अपने पास खरीद लेगा और मार्केट में मनी फिर से बढ़ जाएगी। तो जब डॉलर अधिक होता है तो आरबीआई इस तरीके से काम करती है। और जो ये पूरी प्रक्रिया आपने समझा इसको कहते हैं कार्य निष्फलीकरण। कार्य निष्फलीकरण यानी कि डॉलर को मेंटेन करने के लिए, डॉलर को मेंटेन करने के लिए पहले डॉलर खरीदती है आरबीआई, उसके बदले में जो रुपया मार्केट में जाता है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बांड जारी करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट बांड जारी करती है, ठीक। तो
उससे क्या होता है कि जो पूरा जितना पैसा मार्केट में गया था वो वापस आरबीआई के पास आ जाता है, और ये इसको कहते हैं कार्य निष्फलीकरण। दूसरे कंडीशन को समझते हैं, जब डॉलर की मार्केट में कमी हो जाए। अब जब डॉलर की कमी होगी, किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है, उसका रेट हाई हो जाता है। उसका रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा। जैसे आलू की कमी है, अभी मैं आलू का एग्जांपल इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि आलू महंगा हो गया है और ये ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी इसमें कुछ डंपिंग का भी खेल है, बाद में समझ जो है हो सकता है कि बाहर आए। तो अब डॉलर अगर कम हो गया, तो डॉलर कम होगा तो रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। अखबारों में छपेगा डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। ठीक है, अब रुपया तो आपका मजबूत हो गया, लेकिन इससे होगा क्या, इससे नुकसान होगा किसका, आपका देश जो है वो निर्यात कम आयात ज्यादा करता है, क्योंकि भारत अपने उपभोग के सभी सामान बनाने के लिए अभी संपन्न नहीं है, नहीं बना पाता है, तो हमें निर्यात जो है आयात ज्यादा करना है। तो अगर डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ तो हमारा आयात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अगर डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया तो जो वहां से जब आएगा तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ना, तो आयात हमारा महंगा हो जाएगा, और चूंकि अभी भी हम अपने उपभोग पर उपभोग करने के लिए आयात पर ज्यादा निर्भर हैं, तो मुझे उसको भी मैनेज करना है। तो जब मार्केट में डॉलर की कमी होगी तो आरबीआई कोशिश करेगा कि मार्केट में डॉलर का फ्लो बढ़े। तो करेगा क्या कि जो उसके पास फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है, यानी कि ये जो उसके पास डॉलर है, पाउंड है, एन है, जो रखा हुआ है, इनमें से वो डॉलर को निकालेगा और बेच देगा। लेकिन इस प्रक्रिया में वो मात्र 6% ही फॉरेन रिजर्व का बेच सकता है। ठीक है ना, इस विनिमय दर को मेंटेन करने के लिए आरबीआई कुल फॉरेन रिजर्व का मात्र 6% ही बेच सकता है। तो ये एक तरीका हो गया कि आरबीआई के पास जो डॉलर है वो बेच देगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो कंपनियां किसी अन्य देश के स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज होकर के पैसा बारो करती हैं, उनकी सीमा को बढ़ा देगा। जैसे भारत सरकार निर्धारित करती है ना कि कोई कंपनी अमेरिका में जाकर के कितना पैसा रेज कर सकती है, तो वो उसको करेंगे क्या, उसकी सीमा को बढ़ा देंगे, तो इनफ्लो डॉलर का बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह भी एक इक्विपमेंट है कि सेबी अपने नियमों में क्या करेगी, ढील दे देगी, जिससे बाहर से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उससे भी डॉलर का इनफ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इक्विपमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल करती है आरबीआई डॉलर को मेंटेन करने के लिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि डॉलर का बहुत मजबूत होना या बहुत कमजोर होना दोनों इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यही है सिंपल सा विनिमय दर। ओवरऑल कुल जमा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डॉलर और रुपया जो है एक दूसरे के इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई भी कमजोर हुआ या कोई भी ज्यादा मजबूत हो गया तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका विनिमय दर। और ये जो अभी 4-5 दिन से आपकी जो क्लास चल रही है, ये मौद्रिक नीति की क्लास चल रही है, जिसमें मौद्रिक नीति में तरलता नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण को आप पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आए कि ये सारा नियम कानून आरबीआई बनाए चलाए, उसको लागू करे, रेपो रेट को बढ़ाए घटाए मैनेज करने के लिए, लेकिन फाइनली जो बैंक हैं वो मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी एक सेक्टर में पैसे की कमी हो रही है लेकिन बैंक अपना रेट नहीं घटा रहा है। ठीक है, तो आरबीआई ने तो क्या किया, वहां से रेट घटा दिया, उसने रेपो रेट को घटा दिया, लेकिन बैंक नहीं घटा रहे हैं, तो मार्केट को लाभ नहीं मिल पाएगा ना। ठीक है ना, मार्केट को लाभ नहीं मिल पाएगा, तो यहां पर मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जब सारे मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाते हैं तब आरबीआई गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करती है, और गुणात्मक उपकरण में क्या करती है, वो बैंक को उनके कर्तव्य बताएगी, सारे जितने बैंक के सीईओ हैं उनको बुला करके मीटिंग करेगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं जो है सस्ती कर जब आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि
आरबीआई अगर फिर भी बैंक ना माने तो उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, वो जुर्माना लगाएगा, ठीक है। तो ये उपकरण आरबीआई तब इस्तेमाल करती है जब उसके मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाते हैं, यानी कि जुर्माना लगाना, दबाव बनाना, और किसी एक सेक्टर के लिए दबाव बनाना कि आप इस सेक्टर में आपको ज़्यादा देना है, ये सब काम आरबीआई करती है। तो ये गुणात्मक उपकरण होते हैं, गुणात्मक उपकरण में कोई विशेष प्रावधान नहीं है क्योंकि उसमें कि वो कोई योजना बना देगी, ये सब काम तो उसका होता नहीं है। तो इसलिए वो बस क्या कर सकती है, किसी बैंक पर प्रतिबंध लगा सकती है, किसी बैंक पर जुर्माना लगा सकती है, किसी बैंक पर दबाव बना सकती है मोरल तरीके से कि आपको ये काम करना चाहिए। ये गुणात्मक उपकरण होते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरी मौद्रिक नीति को समझ लिया, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये, मौद्रिक नीति से खूब सवाल आते हैं यूपीएससी के परीक्षा में। अब जो अगला आपका बड़ा टॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। तो अगला आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बैंकिंग सिस्टम है, जिसे हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना और आरबीआई से जुड़े हुए, यानी कि पूरी की बैंकिंग व्यवस्था जो है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। खूब सवाल आते हैं उससे, तो अगली क्लास जो है बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत होगी। क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको आप मिस करते हैं तो आगे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अभी विनिमय दर पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया कि मौद्रिक नीतियों को शुरुआत में मैंने कहा था कि मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण होते हैं। अब जो क्लास बीच में पढ़ा फिर छोड़ दिया, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो उनके पास एक विकल्प है कि वो जाए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को खोल के पढ़ लें। लेकिन जो एकदम से नए हैं उनको जीरो से पढ़ना होगा, ठीक है। और जो बीच बीच में आते हैं, खेल खाल के चले जाते हैं ना, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। ऐसा कीजिए, आइए मन से अगर पढ़ाई करना है तो कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो भाई ठीक है, राम भरोसे बैठे रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। और आपके कोई सवाल हैं, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, जैसा कि मैंने आज दो सवाल के जवाब दिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। बस ये है कि सारे कमेंट का जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर पूछेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ओनली यूपीएससी। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।